न्यूज बायोस्कोप की लगातार कोशिश रही है कि झारखंड के जो ट्रेडिशनल फूड है, जो ट्रेडिशनल बाजारों में मिलते हैं, उसकी झलक आपको दिखाते रहें और बताएं कि उनमें क्या खासियत होती है और क्यों लोग उन्हें खाना पसंद करते हैं या खरीदना पसंद करते हैं। चार धामों में से एक रामेश्वरम धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का सबसे कम दर पर सपरिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। तो आज हम पहुंच चुके हैं तुपुदाना के शतरंजी बाजार में। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में, मैं हूँ आसिया। तो शतरंजी बाजार में इस वक्त हम खड़े हैं जो तुपुदाना में है। बाजारों की खासियत और पहचान है ये चींटी का अंडा है। ये चींटी का अंडा ही है ना? हाँ, चींटी का अंडा है। तो इसमें चींटी भी है क्या? हाँ, चींटी भी है। दवा इसे काम आता है। दवा क्या क्या होता है इससे? दवा का जैसे टीबी बीमारी वाला भी खाता है, दमा का बीमारी वाला भी खा सकता है, इसको कच्चे खा सकता है। ये कैसे? अच्छा, मछली भी मारने के लिए, मतलब खाने के साथ साथ आप इसमें मछली भी मार सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको? जैसे क्या बोलते हैं, ले जाता है वो लोग ब्रेड में डाल के मिला के और मछली मारता है। नहीं नहीं, खाने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे खाया जाता है? खाने के लिए हम लोग इसको चटनी बनाते हैं, आग में हल्का सा पकाते हैं भी है और चटनी बनाते हैं, लहसुन मिर्चा नमक डालते हैं और चटनी भी बनाते हैं। और ये इकट्ठा कैसे करती है, मतलब ये चींटी का अंडा देखिए, चींटी के शेप में नज़र आ रहा है अगर आप पास से देखेंगे, लेकिन ये चींटी का अंडा है, अभी ये चींटी बना नहीं है, तो कैसे इसे जमा करती है? हम लोग जंगल जाते हैं और सखुआ का पेड़ रहता है, उसमें इतना बड़ा बड़ा पोटम रहता है और उसमें हम लोग डांग बड़ा सा रहता है, लंबा बांस का डंटा रहता है, उसमें एक हंसुआ डालते हैं, फिर बांधते हैं, फिर काट के उसको गिराते हैं, काट के गिराते हैं, फिर उसके बनाते हैं एक सूप ले जाते हैं, जो चावल वावल पकड़ करते हैं उसमें, फिर उसके बाद में उसको तोड़ के फिर साफ करते हैं। बड़ी काटता है, बहुत मुश्किल है। वही तो, मतलब चींटी रहती होगी इसमें, तो ये बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल होता है, मतलब खाने में बहुत टेस्ट लगता है। आप दो नग? अभी हम लोग 20 रुपया बोल रहे हैं, 20 रुपया पत्ता बेचते हैं, हर दिन आते हैं और बेच के चल जाते हैं। ये बड़ी बड़ी वाली चींटी रहती है, देमता बोलते हैं इसको, देमता अंडा हम लोग बेलते हैं। अच्छा रहता है खाने में, हम लोग कच्चा भी इसको खाते हैं। कच्चा खाती? खा के बताइएगा कैसे कच्चा खाती है, स्वाद कैसा है? बहुत अच्छा लगता है खाने में, हम लोग खा जाते हैं। और खट्टा मीठा लगता है? कैसा स्वाद है? बहुत अच्छा लगता है, हम लोग कच्चे खाते हैं, इसको चटनी बना के तोड़ के लाते हैं जंगल से और कच्चे खा जाते हैं। चलिए देखिए ट्रेडिशनल फूड झारखंड का, और इसे कच्चा भी खाया जा सकता है। ये शायद जो लोग झारखंड के नहीं या इन हाट बाज़ारों से जो वाकिफ़ नहीं है उनके लिए बेहद अजूबा होगा। चींटी का अंडा और कच्चा भी इसे खाया जाता है, हाफ बॉईल कर सकते हैं, भून सकते हैं। आप यहाँ चींटी का अंडा खरीदने आए हैं, कैसे खाते हैं इसको? इसको फ्राई करके खाते हैं। कैसा लगता है? अच्छा लगता है अंडा। अच्छा, पहले खाया आपने? हाँ। कुछ फायदा भी है या बस खाते हैं ऐसे ही कि चींटी का अंडा? प्रोटीन इसका फायदा जान के खाते हैं। हाँ। ये तो ऐसे डेली मार्केट में मिलता नहीं होगा, तो उसके लिए आपको बाजार का ही रुख करना पड़ता होगा, जो साप्ताहिक बाजार होता है। हाँ, गांव का बाजार होने से। देखिए यहाँ पर लोग चींटी का अंडा खरीदने के लिए भी आ रहे हैं और चटनी बनाकर इसका खाते हैं। क्या इसकी भुजिया भी बनती है, सिर्फ चटनी बना खाते हैं? नहीं, फ्राई करके खाते हैं। फ्राई करके खाते हैं, चटनी भी बनता है? हाँ बनता है। कच्चा तो खा सकते हैं। अब खा के हमें दिखाएंगे और टेस्ट बताइए। हल्का खट्टापन रहता है। कैसा लगा शुरू में? अभी कच्चा है ना, हल्का खट्टापन है, खट्टा रहता है। तो देखिए आप चींटी के अंडे को ऐसे ही खा सकते हैं, आमतौर पर मुर्गी और बत्तख के अंडे आपने खाए होंगे, लेकिन चींटी का अंडा है यहाँ और कच्चा भी लोग खाते हैं, चटनी भी बनाते हैं और इसको फ्राई करके भी खाया जाता है। झारखंड का एक फूड है ये और बहुत प्रोटीन, इसमें हाई प्रोटीन होता है, इसलिए लोग यहाँ इसका सेवन करते हैं।